पगली तू क्यों रो रही है, कि गम तो मुझको उठाना है जुदाई का। तो इसके बाद आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने का आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद 16:9 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो जो यहाँ पे शूट किया गया है, तो इसी तरह से आपको वीडियो शूट करना है। दोस्तों वीडियो जब भी आप शूट करेंगे तो आपको वीडियो में 50% पार्ट जो है आपको खाली होना चाहिए, तो इस प्रकार आपको वीडियो को शूट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वीडियो जो है किस प्रकार का वीडियो शूट किया गया हुआ है। तो दोस्तों आपको शूट कैसे करना है, सिंपल सी एक मोबाइल फ़ोन से आपको वीडियो शूट करना है और दूसरे मोबाइल में आपको जो ये गाना जो है ये गाना को आपको प्ले कर देना है और इसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो को शूट कर लेना है। तो और आपको क्या करना है, यदि आपको जो मान लो कि एक्स्ट्रा पार्ट है, यदि आपको वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपको वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैची के निशान पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यदि लेफ्ट साइड का आपको एक्स्ट्रा पार्ट है ट्रिम टू लेफ्ट कर सकते हैं, यदि राइट साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है तो ट्रिम टू राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यदि आपके पास एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो एक्स्ट्रा पार्ट को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का वीडियो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ये ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है वो वीडियो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमारा स्टार्टिंग का जो पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ट्रिम टू लेफ्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट जो था एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा रिमूव हो चुका है। इनके स्क्रीन वाले वीडियो को डबल क्लिक कर लेना है। इसके बाद वीडियो को लास्ट तक लेकर आना है। इसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को फिर से हमें कैची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट था एक्स्ट्रा पार्ट हमारा रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से इस वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद क्रोमा की को इनेबल कर देना है और इसके बाद फिर से हमें वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वीडियो जो है पूरी तरह से एडिट हो चुका है। तो आप चाहे तो दोस्तों इस तरह से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको HD 720p और यहाँ पर और 30 सेलेक्ट करने के बाद इस वीडियो को हमें एक्सपोर्ट कर देना है और जो वीडियो जो है हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है आजकल टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो दोस्तों यदि इस तरह के वीडियो आप बनाते हैं तो आप भी वायरल हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।